तो आज हम बना रहे हैं आटे से बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता, जिसे खाने के बाद आप मेंदू वड़ा भूल जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लेना है। अब मैं इसमें ले रही हूँ तेल। तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन थोड़ा सा चटकने के बाद इसमें डालेंगे जीरा, सब एक एक बड़े चम्मच है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें लेंगे तीखा मिर्ची, जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, इसको अच्छे से चटकने देते हैं। अब यहाँ पे मैं ली हूँ सफ़ेद तिल 2 बड़ी चम्मच, यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब सब मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे लेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ली हूँ। अब एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे ले रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के इसको एक बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो पानी में बॉईल आना चालू हो गया। तब यहाँ पे मैं 1 कप गेहूं का आटा यूज की हूँ। तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करते हुए एक डो बना लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मस्त डो बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद करना है। बंद करके इसके हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद ठंडे होने के लिए छोड़ दी थी मैंने। अब यहाँ पे ठंडा होने के बाद बॉईल आलू को क्रश करके मैं यहाँ पे ली हूँ। अब सब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक डो बना लेंगे, सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो सॉफ्ट सी डो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको आकार देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल ली हूँ ताकि हाथ में चिपके ना। तो हम लोग यहाँ पे जैसे मेंदू वड़ा का शेप देते हैं ना, वैसे ही हम लोग शेप दे देंगे इसको। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि नए नए वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको दिख सके। उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो यहाँ पे मैंने गरम तेल में फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। ये बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ट्राई करो, बनाओ, खाओ और कैसा लगा कमेंट में बताओ मुझे। तब देख सकते हो यहाँ पे हमारा वड़ा होके तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आप इसे टमाटो केचप के साथ खाओ या फिर धनिया की चटनी बना के खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बना के खाओ और कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा बना है। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा बना है, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर